देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। लास्ट कुछ जो क्लासेस गई हैं हमारी, उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट सीखा है कि सर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और उसको बिजी में किस तरीके से करेंगे। पहली क्लास में हमने सीखा था परचेज करना, दूसरी क्लास में हमने स्टॉक जनरल सीखा था, तीसरी क्लास में हमने माल को ट्रांसफर करना सीखा था। ठीक है, वही हमारी कंपनी है महावीर वाली, हम उसी कंपनी को खोल लेते हैं। कोई दूसरी कंपनी क्यों खोले हम, तो हम इसमें से महावीर कंपनी को ओपन कर लेते हैं जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर महावीर कंपनी को ऑन कर लिया, यहाँ से पासवर्ड यूजर डाल दिया, कंपनी हमारी ओपन भी हो गई। कंपनी ओपन हो गई, पहली क्लास में परचेज करना आ गया था आप सभी को। किसी को डाउट है परचेज में, कर लेंगे सभी। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, स्टॉक जनरल का हमने क्या यूज करा था, माल को बनाने के लिए और माल को कंज्यूम करने के लिए। मैंने बताया था कि जब आपको माल बनाना हो तो आइटम को ऊपर डालते हो, माल को खत्म करना हो तो नीचे डालते हैं। मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको समझाया था लास्ट क्लास में, क्या कोई दूसरा सिखाया था? मैंने यही बोला था जो आइटम बनेगी यहाँ उसका नाम डालेंगे, जो आइटम खत्म होगी वो आइटम, और जो जो वाली वैल्यू उठा के कहाँ डाल देंगे हम, यहाँ पर डाल देंगे। और साथ नरेशन में भी लिखेंगे एवरेज ठीक है, हम कहाँ सेव कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, हमने इसके बाद हम आए थे स्टॉक ट्रांसफर पे आए थे, और हमने स्टॉक ट्रांसफर पे जाके हमने उस मालों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करा था, हमने ट्रांसफर भी करा था। ट्रांसफर करने के बाद हमने लास्ट वाली एंट्री में क्या निकाला था, कॉस्टिंग भी निकाली थी। क्या निकाली थी सर, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग निकालने के दो तरीके भी बताए थे, या तो इस वाले अमाउंट को इस वाले अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, या इन दोनों खर्चों को, जैसे यहाँ देखो कॉस्टिंग में मैंने इस वाले खर्चे को और को जोड़ दिया था, या दूसरा इस वाले अमाउंट को किससे डिवाइड कर दिया था। ठीक है दानी जिशान, ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, आ गया समझ में? कटिंग के लिए जब माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टॉक ट्रांसफर। क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक ट्रांसफर। क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक ट्रांसफर। क्या करते हैं स्टॉक ट्रांसफर, क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद अब आती है रिपोर्टर की बात। सर रिपोर्टिंग क्या होती है, अरे ये बात सोचिए ना, किसी के आप काम करने जाएंगे तो ये जरूरी कोई क्या उसके पास एक ही लॉट नंबर होगा, ये जरूरी है क्या? उसके बाद तो दिन में 50 कटिंग होती होगी, कैसे मेंटेन करेंगे सर, आइस मेंटेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम। ओल्ड आई से क्या आता है, अगर अपने कीबोर्ड पे आप ओल्ड के साथ आई बटन दबाएं, क्या दबाएंगे, और तो आइटम की लिस्ट खुल के आएगी, किसकी लिस्ट खुल के आ जाएगी, तो लेकिन जब आइटम की हम लिस्ट देखेंगे तो इसमें क्या होगा, लेकिन ये तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कब माल किसके पास गया कैसे पता चल रहा है, पता चल रहा है क्या हमें, नहीं पता चल रहा सर, कैसे करेंगे इसको मेंटेन, तो उसके लिए हम कहां जाते हैं, डिस्प्ले पे आते हैं, क्वेरी सिस्टम पे आते हैं, क्वेरी ऑन ट्रांजेक्शन पे आते हैं, फिर सिलेक्ट वाउचर पे आते हैं, और क्या कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं हम लोग, स्टॉक ट्रांसफर। क्या कर देते हैं हम लोग, ट्रांसफर, और इसको यहाँ पर ओके कर, यहाँ करा, कैसे दोबारा देखिए बाहर आ गए, कहाँ गए हम लोग, फिर ओके, फिर अब जैसी करा करा कौन सी चीज का स्टॉक देखना, तो मैंने बोला मैं कौन सी चीज का मैं स्टॉक देखा, उस पर एंटर मार, यहाँ पर क्या लेके आ गया, सोर्स एमसी का मतलब किसका लेजर, मुझे कहा कटिंग मास्टर का लेजर निकाल के लाओ। सोर्स एमसी मतलब होता है मटेरियल सेंटर, क्या होता है, मटेरियल सेंटर। उसके बाद मैंने एंटर मार, किसका लेजर देखना है, अगर किसी एक नाम के व्यक्ति का लेजर देखना है तो आप यहाँ से कर दीजिए, तो आप यहाँ से करेंगे, जो उसने काम करा होगा उसकी एक अलग से रिपोर्ट आपके सामने,
डिस्प्ले हो जाए कि इसने यही आइटम कटिंग करी और किस किस को ट्रांसफर कर दी, कोमल को, कोमल से मतलब उसने दो बार लोड नंबर को काटा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन सर हम ऐसा रिपोर्ट नहीं देखते, हम एक पार्टी का नहीं देखते। अगर आपसे कोई किसी एक कटिंग करने वाले की बात बोलेगा या किसी एक जॉब वर्कर या किसी एक पार्टी की जो काम से रिलेटेड होगा देन आप यहाँ से देख लेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे उस आइटम का लेजर निकाल के दिखाओ, ये आइटम कहाँ कहाँ घूम रही है, कहाँ कहाँ गई है, कब कटिंग वाले पे गई है, कब वॉशिंग वाले पे गई, कब प्रेसिंग वाले पे गई, कब स्टिचिंग वाले पे गई, तो कब आप कहाँ होंगे, यस करेंगे और यहाँ पे उस आइटम का नेम को डाल देंगे। क्या नेम था आइटम का? लॉट नंबर, आर्टिकल नंबर, डिजाइन नंबर। और जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक अलग सी रिपोर्ट आ जाएगी। आगे रिपोर्ट जिसके अंदर मेंशन हो रहा है डेट, वाउचर नंबर, सोर्स एमसी, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, उसके बाद कहाँ कहाँ गया उसने सब मेंशन करा। कहाँ गया है? कोमल से, रिया, रिया से, पूजा। इस जगह घूम रहे हैं माल। जब पूजा पे था तो माल की कॉस्टिंग कितनी थी? जब स्टिचिंग से बॉसिंग पे गया तो कितनी कॉस्टिंग थी? जब रिया से कितना आ गया और पूजा से जब शॉप पे माल आया तो कॉस्टिंग कितनी हो गई? अब मालिक ने कहा सर ऐसा नहीं चलेगा। सर मैंने बोला ऐसा क्यों नहीं चलेगा? उन्होंने कहा कि मुझे बाहर एक रिपोर्ट में मेंशन करो कि मैंने कटिंग वाले को कितना पैसा दिया है, कटिंग वाले को कितना पैसा दिया। अंदर आओ सब। क्लियर। वो चाहते हैं कि जो यहाँ पैसा दे रहे हैं उसके लिए आप एक कस्टम कॉलम बना दो। क्या बना दो? कॉलम। कस्टम कॉलम क्या होता है सर दानिश? कस्टम कॉलम मतलब एक एडिशनल कॉलम इनबिल्ट करना जो बीजी के अंदर था ही नहीं। बीजी ने हमें रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में क्या कस्टम कॉलम अवेलेबल है? नहीं है। क्या मेरी रिपोर्ट सेटिस्फाई हो रही है? जब रिपोर्ट आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी देन हम क्या बनाएंगे? कस्टम कॉलम। क्या बनाएंगे? जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछेगा कस्टम कॉलम का नाम क्या होगा, क्या होगा कस्टम कॉलम का नेम क्या रखोगे? तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। और आगे क्लियर। और इसको सेव कर दिया। सेव हो गई। जब सेव हुआ और जैसे ही मैं इसकी रिपोर्ट निकालने गया, देखो उसने मुझसे पूछा कौन से फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, क्या न्यू फॉर्मेट में। जैसे ही करा तो कुछ फॉर्मेट आ गया नया। लेकिन सर ये तो सेम फॉर्मेट है, क्या अंतर आया इसमें? सर क्या क्या कर रहे हैं आप, हमें पागल बना रहे हैं? अरे अभी तो फॉर्मेट बनाया है, खाली फॉर्मेट का नाम डाला है। और कुछ करा था क्या मैंने अमित इसमें? और कुछ करा नहीं, अभी फॉर्मेट बनाया। और फिर कुछ करना है तो कहाँ जाओ अमित? क्या आ गया। अब मुझे क्या करना है? कॉलम। तो उसके लिए क्या करूंगा? ऐड न्यू कॉलम। क्या कर दूंगा? ऐड ऐड न्यू कॉलम करूंगा। तो उस कॉलम का नेम। अब कह रहा है कि उस कॉलम की हेडिंग क्या होगी? जैसे यहाँ पर लिखा है ना, क्वांटिटी के लिए क्या लगा है? यूनिट के लिए क्या लगा है? प्राइस के लिए क्या लिखा है? ऐसे मुझे क्या चाहिए? जॉब वर्क। राजकुमार वेट आ गया। हाँ सर पोजीशन क्या होगी? सर पोजीशन क्या पहले कॉलम पे डाल दूं या लास्ट कॉलम पे? नहीं सर लास्ट भी नहीं चाहिए, हमें कब चाहिए? यूनिट के बाद चाहिए। तो यूनिट का कॉलम कितना है? तो हमें ऐड कब करना है? कब करना है ऐड? सर डाटा टाइप क्या होगा? क्या मैं टैक्स में लिख दूं? टैक्स मतलब ऐसी वैल्यू जिसपे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगी, ऐसी वैल्यू जिसपे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ए पचास,
और ए, ये अल्फा है या ये नंबर है, ये नंबर है या ये अल्फा है, बताइए कौन से दोनों अल्फा है या नुमेरिक है, कौन से इसमें कौन सा नुमेरिक है कौन सा अल्फा है, ये नुमेरिक है और ये अल्फा है, ये सभी बोल रहे हैं ये गलत है। मैं बताता हूँ एक्चुअली ये मुझे पता है क्योंकि मैं एक्चुअली क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता हूँ तो मुझे पता है डाटा टाइप क्या होता है। अगर किसी कैरेक्टर के साथ किसी एबीसीडी के साथ कोई नंबर जुड़ जाता है तो ये अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है अल्फाबेटिकली में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हम नंबर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अल्फा। अगर मैं बोलूं इसमें एक जोड़ दो तो जुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट है, क्या है वो आपका टेक्स्ट। और मैथ की सिंपल सी थ्योरी है कि मैथ किसी भी टेक्स्ट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखता, वो कहता है मेरा रिलेशन नंबर के साथ एक दो तीन चार पाँच छह के साथ है, मैं किसी एबीसीडी से रिलेशन नहीं रखूंगा अपना। आप बोलो ए प्लस ए पचास को प्लस कर दो इसमें, होगा क्या, मैं क्या इसको ए डेढ़ सौ मान लू, क्या ए डेढ़ सौ मान लू इसको, नहीं गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे टैक्स, टैक्स होता है जिसपे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना। अब इसका अलाइनमेंट क्या होगा, अलाइनमेंट जानते हैं क्या होता है, कॉलम बड़ा कर दिया, अभी कहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसको कर दूंगा ये राइट में, इसको कर दूंगा कहाँ आ जाएगा ये लेफ्ट में आ जाएगा, कहाँ गया, इसको बीच में कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको कहाँ कर दूंगा तो ये कैरेक्टर की क्या होती है पोजीशन होती है, क्या होती है कैरेक्टर की, इसको कर दूंगा, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। जैसे यहां देखो डेट कहां पर है, सेंटर में, वाउचर सीरियल नंबर नम क्वांटिटी यूनिट, तो हम किस में लेंगे लेफ्ट। और इस कॉलम की साइज कितनी बड़ी होगी, साइज मतलब इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, होगा। अब डाटा टाइप क्या आता है या कैटेगरी क्या आती है, कैटेगरी जानते हैं, अकाउंट्स क्या होता है, जब आप कोई पार्टी बनाते हैं, जब यहाँ से आप कंट्रोलर बन करके कोई पार्टी बनाओगे इसको बोलते हैं हम अकाउंट, क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं इसको हम अकाउंट। अगर हमें अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, क्या चाहिए हमें कोई चीज चाहिए तो हम इसमें क्या लेंगे अकाउंट। ऐसी हमें कोई आइटम से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, क्या चाहिए हमें आइटम से रिलेटेड कोई चीज चाहिए तो हम क्या लेंगे आइटम, क्लियर। और यहाँ लिखा है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी वाउचर एडर, क्या लिखा है इन्वेंटरी वाउचर एडर, क्या लिखा है इन्वेंटरी वाउचर, ये लिखा है इस पे इंटर मारेंगे सर, ये कब यूज करेंगे बताता हूं, जब सेल की बात करेगा किसी पूरे वाउचर की बात करेगा वो कहता है कि सर तुम्हें यहाँ डेट डालता हूं ना वो मुझे कस्टम कॉलम पे चाहिए, अगर मैं जो वाउचर नंबर डालता हूं वो मुझे कस्टम कॉलम पे चाहिए, सर मैं जो यहाँ सेल टैप डालता हूं वो मुझे वाउचर नंबर पे चाहिए, सर मैं जो बिल्स एंट्री में जो टैक्स डालता हूं ना वो मुझे चाहिए, जब वो किसी पूरे वाउचर की बात करे, क्या करे पूरे वाउचर की बात करें, वाउचर में से किसी भी चीज की डिमांड करें, देन यूज इन्वेंटरी वाउचर। सर यहाँ बॉडी भी तो लिखा है, बॉडी का मतलब क्या सर, जिम जाऊं जिम ज्वाइन कर लूं, हेडर तो समझ में आता है, बॉडी क्या होती है सर, बॉडी समझ में आती है ये वाली बॉडी में, ये वाली नहीं, बॉडी बीसी में याद रखना, जो बीच का हिस्सा होता है उसको बॉडी बोलते, दिखाता हूँ हमें ये यार, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा इसको बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बॉडी,
जब इन्वेंट्री हेडर से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी फिल नहीं होती, आप सेटिस्फाई नहीं होते उससे, देन यूज बॉडी. क्या यूज? बॉडी. ब्रांड यूज बॉडी. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें रिपोर्ट में क्या चाहिए था? हमें हेडर नहीं चाहिए था भाई, हमें रिपोर्ट में चाहिए क्या था? कि हमने रिपोर्ट देखी, दोनों मिलेगा, सब मिलेगा भाई. सी क्या चाहिए था? सीरियल नंबर, आइटम नंबर, क्वांटिटी फ्रॉम रेट और टोटल अमाउंट पर जॉब वर्क. हमें जॉब वर्क का अमाउंट चाहिए था. क्या चाहिए था हमें? जॉब वर्क का अमाउंट. तो हमें यहाँ क्या लेंगे? हम लेंगे ये बात किसकी कर रहा है, याद रखना. जब भी आप स्टॉक ट्रांसफर देखेंगे यहाँ से, अब ये पूरा है और हमें चाहिए क्या? हम चाहते कि जो हम यहाँ पैसा दे रहे हैं ना, 3 रुपए, 8 रुपए, 35 रुपए, 35, 75, 100, 20, एनीथिंग एल्स. दानिश वानिश वहां से सब करो, वहां से करो. ठीक है, तो हमें ये चाहिए. देखो इधर श्वेत, इधर अब एक याद रखना, बिल संड्री की शॉर्ट फॉर्म बनाओ. कैसे? बी बी फॉर बिल, एस फॉर संड्री. तो BS1, BS2, BS3, BS4, BS5. तो कितनी BS हो गई? कितनी हो गई? BS16. तो हमें BS1 का अमाउंट चाहिए ना पहला. हमें क्या चाहिए? BS1 अमाउंट. क्या चाहिए हमें? BS1 अमाउंट. तो हम क्या लेंगे यहाँ से? इन्वेंट्री, वाउचर, हेडर. इस पे क्लिक करेंगे. यहाँ क्या लिखा है? बिल संड्री. लेकिन सर बिल संड्री में भी तो देखो, यहाँ पर बिल संड्री वन एलियास, बिल संड्री अमाउंट, बेसिक अमाउंट, नेम, नरेशन. सर ये तो बहुत है, मैं कैसे समझ पाऊंगा कौन सी चीज क्या है? सर मैं कैसे अंडरस्टैंड करूं? सर आप तो पढ़ाते हो, आपको पता है. सर मैं कैसे करूं? सर आप सबर करिए, बताता हूं. देखिए, जब आप बिल संड्री बनाते हैं ना, तो बिल संड्री बनाते वक्त भी आपसे पूछता होगा, क्या पूछता है? बिल संड्री नेम. तो इसको क्या बोलेंगे? बिल संड्री नेम. नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बिल संड्री एलियास. बिल संड्री टाइप, बिल संड्री नेचर. दूसरा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम परसेंटेज, इसको बोलते हैं यूनिट, और इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट. तो क्या बन गया? BS, बिल संड्री नेम, बिल संड्री परसेंटेज, बिल संड्री अमाउंट. यही तो बना हमें. तो हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए ना, परसेंटेज. क्या चाहिए हमें? अमाउंट चाहिए? नहीं, अमाउंट नहीं चाहिए हमें. क्या चाहिए? परसेंटेज. क्या चाहिए हमें? अमित परसेंटेज. अमित दिखाता हूँ परसेंटेज क्यों चाहिए. और देखो इस फॉर्मेट को सेव कराना. जैसे आप इस फॉर्मेट को सेव करेंगे, अभी कुछ नहीं आया सर, एक बार क्विट कीजिए, दोबारा अंदर आइए और यहाँ पर देखिए, जो अगर रेट आ गया 3 रुपए, कॉलम ऐड हो गया, हो गया. हमें ये चाहिए था. हमें क्या चाहिए था? हमें ये वाला रेट चाहिए था. हमें क्या चाहिए था? हमें ये वाला रेट चाहिए था. इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया था? परसेंटेज. हमने क्या लिया था इसलिए वहां पर? परसेंटेज. हमने क्या लिया था इसलिए? परसेंटेज. अगर हमने अमाउंट, सर आपने ये वाला क्यों नहीं लिया था?
आपने ये क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि टोटल अमाउंट तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, हम क्यों लेंगे वो? हमें तो पर पीस रेट चाहिए था ना, तो हमने इसलिए ये लिया था। कोई दिक्कत इसमें किसी को? सर एक काम करो, क्या काम करें सर? आप ये नीचे इस टोटल बिल को भी शो कर दो कि ये तो ऑलरेडी शो है। सर मुझे ऐसा कर दो कि जो ऐसा करो ना, मुझे ना आप, हाँ ये भी है लेकिन तो इजी हो जाएगा, मुझे बाकी सारी रिपोर्ट बन गई। अगर वो कुछ और मांगते हैं जस्ट लाइक हाँ वो कहते हैं ये आइटम का नेम यहाँ पर शो हो जाए, आपका क्या हो, सबका हो गया नंबर फिटिंग होगी सबकी इसमें? अरे आइटम नेम तो सर ऊपर आ रहा है लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए, जब मैं प्रिंट निकालूंगा ना तो यहाँ आइटम का नेम शो नहीं होता सर। अरे सर यहाँ आइटम का नेम शो नहीं हो रहा, मुझे वहाँ बार बार देखना पड़ता है लॉट नंबर 1101 आर्टिकल ये बाचर नंबर अमित ये दिखना पड़ रहा है ना मुझे। मैं चाहता हूँ सर मुझे ना यहाँ पर कस्टम कॉलम में ही आइटम का नेम दे दो, क्या दे दो? तो कहाँ जाएंगे सबसे पहले? कस्टम कॉलम। आइटम का नेम कहाँ चाहिए? मैंने कहा डेट वाउचर के बाद, वाउचर कितने पे, तो मुझे क्या करना, ऐड न्यू कॉलम, कॉलम का नेम सर पोजीशन, पोजीशन कैरेक्टर 20 कैरेक्टर्स मोर देन सफिशिएंट, देन डाटा टाइप इन्वेंटरी पेज एक तो लेते हैं, आता ही नहीं, मैं ये दिखाऊंगा। तो क्या हुआ हमारा वर्ड लैब से स्टार्ट हो जाएगा, हमें क्या चाहिए आइटम का नेम? यहाँ कहीं आइटम नेम लिखा है? ये लिखा है, लिखा है। अगर मिला, अगर मिलेगा नहीं तब क्या करोगे? तब आप बॉडी पे जाओगे, कहाँ जाओगे? बॉडी पे, बॉडी पे क्लिक करोगे ना तो आइटम नेम इज द फर्स्ट स्क्रीन योर फर्स्ट पोजीशन, आइटम नेम आपको पहली पोजीशन पे ही दिखेगा। और हमें आइटम का क्या चाहिए? आइटम नेम, तो ये क्या लिखा है? एम एन आ गया, सेव करा, कुछ बेनिफिट हुआ हमारा? कुछ नहीं हुआ, स्कैप करके बाहर गए और अंदर आए, आ गया। लेकिन सर जब मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ तो प्रिंट आउट में तो कुछ भी नहीं आता जो कस्टम कॉलम मैंने बनाए, आप क्यों मजाक कर रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं आया कस्टम कॉलम में। सर आप ना क्या क्या कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा, कभी आप बना रहे हैं कस्टम कॉलम तो प्रिंट में नहीं आ रहा, फिर आप बना देते हैं तो प्रिंट में नहीं आ रहा, कुछ तो करें सर। याद रखना बीजी में दो तरीके से प्रिंट आउट निकलते हैं, क्या होते हैं बीजी में? दो तरीके से प्रिंट आउट, जब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? प्रिंट, और इसकी शॉर्टकट है ओल्ड के साथ पी, ओल्ड के साथ पी दबाएंगे तो पूछ है प्रिंट क्वायरी ऑन स्टॉक ट्रांसफर वाउचर फ्रॉम बीजी या एज इट इज फ्रॉम गेट। जब आप कस्टम कॉलम बनाएंगे ना देन यूज ये, और जब बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट निकालेंगे तो क्लियर है? और आप देख लो रिवाइज करो देन सी, आ गया। बीजी में दो तरीके से सर प्रिंट आउट निकलते हैं सर, कितने? ओल्ड पी करेंगे तो फ्रॉम बीजी करेंगे, जो आप कस्टम कॉलम बनाते हैं वो आपको नहीं शो होंगे वो शो। लेकिन अगर हम एज इट एज फ्रॉम वेट करेंगे देन क्लियर है? बीजी वाले में लाइन नहीं आ रही थी, इसमें आपको लाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पढ़ा है ना प्रिंट आउट बॉक्स
क्या लिखा है पढ़िए, क्लियर करोगे समझ आ गया। देखिए ये रिपोर्ट अगर आप बना देंगे ना डेफिनेटली इंसर्ट मतलब एक दो तीन में आने लगेगा वहां पर। सर ये डाटा फील्ड और एसक्यूएल क्वेरी का डाटा फील्ड और एसक्यूएल क्वेरी सर गुड। एसक्यूएल क्वेरी का ना कॉन्सेप्ट दूसरा ही है, बिल्कुल दूसरा है। अभी उसको यहाँ मिक्स करेंगे ना आशीष तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। थोड़ा सा आइडिया लगेगा सर, आइडिया लगाने से अच्छी चीज समझाता हूँ। सर ये समझ आ गया, लेकिन सर आप एक चीज देखिए ना। अरे क्या देखूं सर, यहाँ देखो फार्मूला लिखा है। सर फार्मूला कौन सा? अरे सर 10th क्लास का फार्मूला लग जाएगा जो हमने 10th क्लास में सीखा था, और सीटा वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पर नहीं। अगर ऐसी कैलकुलेशन जो बिजी आपको नहीं दे पा रहा, ऐसी कैलकुलेशन जो आपको बिजी नहीं दे पा रहा, जैसे मैंने आपसे कहा था बिजी आपकी कॉस्टिंग निकल गई, मुझे यहाँ पर इसका प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है? कॉस्टिंग कितनी आ रही है यहाँ पर? 69। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक प्रॉफिट का कॉलम भी बन जाए, और जितनी कॉस्टिंग हो उसका 20% प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। कितना लेना चाहता हूँ? कितना प्रॉफिट? 20%। अब बीजी में तो ऐसा कहीं ऑप्शन ही नहीं है कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग कहाँ से लेके आऊंगा? ले आऊंगा क्या मित्र? अब यहाँ फार्मूला काम आएगा। कौन सा फार्मूला सर? चले रिपोर्ट में प्रॉफिट आएगा, सीधा रिपोर्ट में प्रॉफिट आएगा। मतलब हम बना लेंगे सेल प्राइस ही रखा है। ऐड न्यू कॉलम, प्रॉफिट कहाँ चाहिए? तो हमने कहा अमाउंट के बाद। अमाउंट कितने पे है? क्या चाहिए? पोजीशन। अब जब भी किसी फार्मूले की बात करेंगे, देखो अभी डिसेबल है ना वो फार्मूला, जैसी नंबर दोगे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फार्मूला नंबर पे एप्लीकेबल होगा, टैक्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद फार्मूले पे क्लिक करेंगे, जैसी आप फार्मूले पे क्लिक करेंगे तो नीचे मैशन आ गया F1 प्लस F2, ये कैलकुलेशन दिस कैलकुलेशन दिस। ठीक फॉर्मूला नहीं, हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है? फॉर्मूला लगाने के लिए हमें किसको कैलकुलेशन करना है? हमें प्राइस को कैलकुलेशन करना है। तो प्राइस कितने नंबर पे? तो यहाँ क्या बोल देंगे? F11 इंटू 20%, और इसको सेव कर देंगे। वो परसेंटेज नहीं ले रहा, तो इसके साथ साथ हम क्या कर देंगे 100 को हम यहाँ पर 20 करेंगे, और इसके ब्रैकेट में क्या कर देंगे अलग से 100 से डिवाइड कर, हो गया। और अपने इसको सेव कर दिया। एंड में कितना प्रॉफिट लेंगे हम? 3 रुपए। आपको बताया आप फार्मूला कहाँ यूज कर सकते हैं। ये देखिए ना बीसी कितना आपको एडवांटेज दे रहा है कि जब आपका माल बनेगा तो आप 18 रुपए प्रॉफिट ले लोगे, 13 रुपए। सर हमें एक ही प्रॉफिट चाहिए लास्ट वाला, लास्ट वाला नहीं, सब आपको समझ आदिल परान बोलो। क्वेश्चन डिफरेंट है, उसकी लोकेशन दूसरी है, उसके लिए आपको विद डिस्प्ले में MIS मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट में प्रॉफिटेबल रिपोर्ट आप आइटम वाइज बिल वाइज MC वाइज सब तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन को उसके साथ इन्वेल्ड मत कीजिए, इज अ डिफरेंट थिंग।
ब्रांच चलो आप चुप चुप हो जाओ आप सभी। तो कस्टम कॉलम बन जाएंगे। अभी हमने जो कस्टम कॉलम बनाना सीखा है वो एक ही जगह से, लेकिन हमारी पहली रिपोर्ट सेटिस्फाई हो गई उसको आइटम के हिसाब से। अब दूसरा लेटर में कस्टम कॉलम बनाना चाहता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पहले आप लोग ये कस्टम कॉलम से मुझे रिपोर्टें दिखा दीजिए, देन हम आगे करेंगे।